शिक्षक साथियों के योगदान के संबंध में स्पष्टीकरण। प्रिय साथियों, आज श्री गिरिवर दयाल सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा सह अपर सचिव ने अपने पत्रांक 773 दिनांक 6/5/2020 के द्वारा हड़ताल से लौटने वाले शिक्षकों के लिए योगदान के संबंध में निर्देश जारी किया है। उसके अनुसार माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में अथवा जिस प्रखंड में उनका विद्यालय है वहाँ जाकर के सदैव योगदान करेंगे। जो शिक्षक अपने विद्यालय से या जिले से दूर लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, वे लोग अपने योगदान की सूचना संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे और अपने जहां पर वो हैं उस जिले के जिला पदाधिकारी से आवेदन दे करके ये आग्रह करेंगे कि उन्हें पास निर्गत किया जाए। चूँकि ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आदेश है और शिक्षा विभाग इसकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, इसलिए वो जिला पदाधिकारी से पास प्राप्त करके बाद में अपने व्हाट्सएप पर दिए गए मैसेज को संतुष्ट करेंगे। इसके लिए 17 तारीख तक की जो अभी लॉकडाउन की स्थिति है उसमें किसी दिन वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार के भ्रम का शिकार होने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आप सबसे पहले योगदान करें। निलंबित जो शिक्षक हैं वो शिक्षक भी अपने प्रखंड में जाके योगदान दे सकते हैं अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में दे सकते हैं अथवा जहां निलंबन में उनकी कार्य करने की जगह निर्धारित की गई है वहां योगदान दे सकते हैं। जहां उनको सुविधा हो उसका इस्तेमाल करके अपने योगदान को सुनिश्चित करें आगे की कार्रवाई के लिए। और फिर प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी ही निलंबन और प्राथमिकी हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद हड़ताल और उसके वेतन भुगतान की भी व्यवस्था की जाएगी। फरवरी तक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें।